हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सुबह की मोटिवेशन देता हूँ आप लोगों को। आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता। वो लोग बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई बुरा टाइम आने दे, हम सलाह नहीं साथ देंगे। सबसे पहले वही पीछे हटते हैं, ठीक है? तो ऐसे दोगले लोगों से दूर रहो और अपने गोल्स पर फोकस करो, ठीक है? ये साथ देंगे, सलाह देंगे, कुछ नहीं होता भाई। आओ, रियल लाइफ में पता चलेगा कौन साथ देता है, कौन सलाह देता है। और आज की डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हो। मुझे तो लगता है 90 नहीं, पूरे 100% लोग ऐसे हैं भाई, भगवान कसम। इतनी गंद हो गई है ना भाई, इतनी गंद हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं है, सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है, अपना व्लॉग स्टार्ट करा है। बाकी इन चीज़ों को साइड हटाते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। तो बढ़िया मोटिवेशन के साथ अपना जिम जाते हैं, लेग्स का वर्कआउट है, उस पर फोकस करेंगे। और अब से मतलब मैं तो भाई भगवान कसम, मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर 2 महीने में 3 महीने में गाड़ी बदल दूँ, ठीक है? मतलब मेरा माइंड सेट ये है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं ना, जितने मेरी ऑडियंस देख रही है, जितने भी लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, मैं ये चाहता हूँ बस ये सेम माइंड सेट आप लोगों का होना चाहिए। भाई उठो, भागो, काम करो और पैसे कमाओ। कोई भी नहीं आएगा तुम्हें पैसे देने, कोई तुम्हारे सपने पूरे करने नहीं आएगा। सपने पूरे करोगे तो वो है सिर्फ तुम, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे सपने सिर्फ और सिर्फ तुम पूरे कर सकते हो और कोई नहीं। लोग सलाह भी नहीं देंगे, साथ भी नहीं देंगे, सिर्फ मजाक बनाएंगे, समझे? तो मेहनत करो, मेहनत करोगे सब कुछ आसान हो जाएगा। एक रास्ता बंद होगा, 2 होंगे 3 4 5 7 10 11वां रास्ता तो अच्छा होगा, वो तो खुलेगा ही खुलेगा। टेंशन मत लो, बढ़िया रहो, मोटिवेट रहो, तगड़े रहो और दो गोलों से दूर रहो। तो जी गाइस, तो अपना वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। बाकी भाई गर्मी, मज़ा आ गया वर्कआउट करने। सो गाइस, फोकस रखो अपने वर्कआउट पर और ध्यान दो अपने गोल्स पर, भटको मत किसी चीज़ से। फोकस रखोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? स्टे मोटिवेटेड। हाँ जी गाइस, तो ऑल सेट, एक मिनट रुको। ओह शिट, यस। तो पहले तो ये बताओ ये कैसा लग रहा है मुझ पर, ठीक है? बाकी दूसरी बात देखो, एक चीज़ छोटी सी शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों से। ये जो हमारा आजकल का यूथ है, ये इस चीज़ को समझ पाएगा अच्छे से, ठीक है? भाई मेरा ना छोटा सा मानना है, भाई मैंने ना कुछ चीज़ें फेस करी हैं लाइफ में, मतलब मुझे जो मुझे लगता है, मैं बाकी को नहीं बता सकता, बट जो मुझे फील होती है, मेरे को लगता है आप अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और सक्सेस की तरफ जा रहे हो और आपके पास बढ़िया पैसा है और बढ़िया कमा रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, तो आपके साथ ना ऐसे लोग जुड़ना चाहेंगे जो कि आपको काट सके, समझ रहे हो? अब ये हमारे इधर ना बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा इन सेंस 18-19 साल का नया लड़का है कोई, उसके घर वालों ने उसे छूट दे रखी है बढ़िया, और गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, सब चीज़ है उसके पास। तो हमारे इधर के लड़के पता क्या करते हैं, इसको अपना दोस्त बनाते हैं, छोटा भाई बनाते हैं, पंटर बना लेते हैं, ठीक है? और फिर वही भाई आज यहाँ चलते हैं, वो पैसे दे रहा है भाई, उसकी गाड़ी में जा रहे हैं, उसका तेल फूक रहा है, ठीक है? तो मतलब खुद का कुछ नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है, आज इसको पकड़ लिया, कल उसको पकड़ लिया, ऐसा हमारे यहाँ की कहानी है भाई, ठीक है? तो भाई और अपने पास कुछ भी नहीं है, सही बताऊँ तो, ठीक है? मतलब जो आगे बढ़ रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, वो भाई यार वो जान है, और जिसने हल्की सी भी ऐंठ दिखा दी कि कुछ भी एक्सपर्टिया आपकी बात नहीं मानी, तो वो बेकार है। तो ना भाई ऐसे लोगों से ना दूर रहो, ठीक है? सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों से दूर रहो और लाइफ में फोकस करो भाई। एक ही बार जिंदगी मिलती है, अगर तुम इसको भी काटोगे ना तो मजा नहीं है जिंदगी को ना जीने में। मजा भाई कुछ नहीं पता, भगवान कसम कुछ भी नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो जाए, ठीक है? अपने ऊपर फोकस करो, बढ़िया रहो, मौज लाओ, किसी से दबो मत, किसी के बाप का कुछ लेके नहीं खा रखा, अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, अपनी मौज लो, सिंपल सी बात है। अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दो यार, आजकल का पता नहीं जनरेशन कैसी होती जा रही है, अलग ही लेवल है, डिप्रेशन है, ये है वो है, किसी ने कुछ बोल दिया, चुप दिल पे लाके बैठ, अरे बाहर में जाए दुनियादारी, अपनी मौज लो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने पे ध्यान दो, किसी की बातों में आके कुछ भी गलत कदम मत उठाओ, या फिर अपने अंदर उस चीज़ को मत रखो, या फिर उस चीज़ को फेस मत करो। जा रहा है जा, बहुत बढ़िया है, आ रहा है तो और भी अच्छा है, पर नहीं आ रहा तो और भी अच्छा है, ये वाली चीज़ रखो, बैठा में जाए दुनियादारी, अपने ऊपर फोकस करो, मौज लो, जिंदगी जियो, काटो मत, ठीक है? तो अभी चलते हैं घर, हमारे कानो भाई का फोन आया कि चाचू मुझे घूमने जाना है, अभी मेरे साथ चलो। तो अभी उसको लेके थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे। तो गाइस नहा धो के रेडी हो के अभी हम दिल्ली आए हैं, और दिल्ली आने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है,
तो मकसद कुछ ऐसा है भाई, मतलब अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। सबसे पहले आपको देते हैं बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है भाई, आज इस गाड़ी में हमारा लास्ट है, तो आज फाइनली हम इस गाड़ी को बाय बाय टाटा कर देंगे। इस गाड़ी ने हमारा बहुत साथ दिया, और पहली नहीं दूसरी गाड़ी थी जो मैंने खुद के उससे ली थी, खुद की कमाई से, खुद के क्या कहते हैं उसको, पैसों के, खुद के आधार पर, ठीक है। वो बहुत से लोग बोल रहे थे ना भाई बाप दादा के पैसों की मदद ले रहा, नहीं भाई ये खुद के उससे ली थी, तो गम भी है ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी अच्छा भी है क्योंकि ये जाएगी तभी तो कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब नए के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपने राघव भाई के पास जहाँ से मैं गाड़ी लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ट्रस्ट नहीं है आज की रेट में खैर किसी पे भी, क्योंकि भाई हर बंदा जो है वो काटने के लिए बैठा, और मोस्टली वही लोग जो तुम्हारे बहुत खास बनते हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ है। पर जो ये भाई है मेरा राघव ग्रोवर, ये स्कूल टाइम से मेरे साथ है और इसका गाड़ियों का बहुत अच्छा काम है, जेन्युइन काम है। जो भाई गाड़ी वाड़ी का लेना चाहता है तो मेरी सलाह से एक बार इनको ट्राई करना, ठीक है। और मैं इसलिए इस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि आज तक इसने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया गाड़ियों के चक्कर में। अगर ये इसका प्रॉफिट भी हो रहा हो तब भी ये मुझसे बोल देता कि भाई इस गाड़ी को मत लेना, तो इस मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो इसलिए भाई के पास जा रहे हैं, और ऑप्शंस भाई ने मुझसे बोला है कि तेरे लिए गाड़ी है दो तीन, एक बार देख लेंगे, बाकी भाई का शोरूम बन के तैयार होने वाला है एक वीक के अंदर। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हाँ मुझे मीटअप करना चाहिए भाई के शॉप पर, बट थोड़ा दिल्ली में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मान लो कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर अपने पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, परमिशन नहीं जाना है, मैं कहाँ जा रहा था आगे, ठीक है। तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी देखते हैं, कमेंट करके बताओ जितने भाई दिल्ली से अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो हमें करना चाहिए नहीं, अशोक विहार में शायद, यहाँ अशोक विहार में है। और गाड़ी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वहाँ जाके, जो कि गाड़ी अभी हम चलाने वाले हैं और उसे घर ले जाने वाले हैं वो दिखाऊंगा, जो मैं लूंगा उसको हम बाद में देखेंगे, बट जो अभी हम हाल फिलहाल में इसको देख के लेने वाले हैं वो मैं आपको जस्ट 5 मिनट पहुँच जाऊंगा तब दिखाता हूँ, ठीक है। और व्लॉग को एंड तक देखना, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना जो जो नई ऑडियंस आई है, थैंक यू। तो जी गाइज, हमारे पास ये दो चॉइस है, एक तो ये जैगुआर है भाई XJL, और एक ये BMW है, तो दोनों में से कमेंट करके बताओ किस बात रखनी चाहिए। इसको हटा देंगे फिर और इसको ले देंगे, बाकी भाई हमारी गाड़ी लगी कल देखो, अरे ये लगी, दिमाग ख़राब हो गया गाइज, ये लगी और ये लगी, बहुत मूड ख़राब हुआ चक्कर में मेरा। बाकी गाइज ये देखो, अब दोनों में से कमेंट करके बताओ जैगुआर या फिर BMW, जिस पर आप बोल दोगे उस गाड़ी को ले लेंगे, डन। लो जी गाइस, इतनी सारी गाड़ियों में जो हमें गाड़ी पसंद आई है उसकी चाबी हमारे हाथ में है, और अब देखो कौन सी आई होगी, बताओ ये ना ऑडी, वो तो हमारे पास रह चुकी है, ये ना ये भी नहीं, एक गाड़ी है यस दिस ये भाई, तो अब ये गाड़ी है, ला भाई डन है, इस गाड़ी को लेके चलेंगे आज अपने घर, ये नाइस ओके भाई मित्र। अबे इसकी लाइट वाइट कहाँ चलती है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, गरम झगड़म घर स्टार्ट करते हैं बस, अरे बाबा ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही है, अभी इसमें लाइट वाइट कहाँ चलती है गाड़ी में से, नहीं जल्दी, पता नहीं क्या सीन है भाई इस गाड़ी का, पर भाई गाड़ी का इंटीरियर देखो, लाइट ना जलती है, लाइट लाइट, अबे यार ठीक है हो गई लव यू गाइस, कमेंट करके बताओ ऑडी के बदले ये सही रहेगी या फिर नहीं, फाइनल हमारा ये हमारा ऑप्शन तो ये है वैसे, बाकी आप लोग बता दो एक बार, ये है सबसे तगड़ी चीज, डिफेंडर वाला फील नहीं दे रही यहाँ से, कम्फर्ट मजा कंफर्ट पे इसमें, और ये क्या आया भाई तुम्हारा, ओके नो मीडिया, चलो वो तो बाद में देखेंगे, बाकी भाई ये अपना बैग अंदर रख दिया इसमें ताकि टाइट हो रखा है भाई, ये बताना कमेंट करके कैसी गाड़ी है, ठीक है। बाकी गाइज मैंने आपको वहाँ पे दो गाड़ी दिखाई थी, या तो फिर उनमें से और या फिर ये, ठीक है। अब कमेंट करके बता दो क्या करना चाहिए, वैसे मेरा ऑप्शन तो इसमें ये रहेगा, ये ठीक है। बाकी एक बार जनता से पूछना चाहूँगा भाई, क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर ऑडी, ठीक है, और या फिर जैगुआर दिखाई थी, तो आपको एक ऑप्शन हो रहा है आप पे ना, कौन सा वो बाद में बताऊंगा ना, वो वाली, हाँ अच्छा वो वाली बाहर खड़ी है, वो तो सदाबहार है,
वो तो अभी मैंने थोड़ा टाइम दो मुझे, मतलब टाइम लगता है। चार पांच पांच ऑप्शन है मतलब, और 5 दिन दे दो, दिन के 5 दिन में गाड़ी चेंज कर दूंगा 100%। अभी तो पर ये ले जा रहा हूँ और 2 दिन चलाऊंगा इसको, देखूंगा अच्छा फील आया। प्लीज रिफ्यूल राय गिरवाया तेरे इसमें भाई, मैंने अपनी ऑडी की टंकी फुल करवा के दी है इसको, बहुत चिल कर रहा है इसका इसका, पर मजा आया भाई गाड़ी में। ये विलार तो विलार है भाई, रेंज रोवर विलार की ओड नहीं है भाई, अमेरिका यहाँ पता चल गया भाई, भगवान कसम फील आ रहा, माँ की कसम जनरली। देख लो ये देखो, ये चीज जो आ रही है ना, ये चीज ये सेक्सी है ना। अब बहुत से लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भाई क्या कहते हैं, ये तो किराए पे गाड़ी लाता, तुम भी लिया भाई। किराए पे गाड़ी लाने के लिए ना ये रुपये से बैग रखा ना, इसमें पैसा होना चाहिए और वहाँ पे तुम्हारे दम होना चाहिए लाने के लिए। कोई बात ना, ऐसे बार लग बोलते रहेंगे। अबे चुन चुन आवाज बंद होगी, आवाज बहरा हो गया ना ये। अच्छा इसमें सारी थी। हाँ तुम्हें क्या लगा? ठीक है चलते हैं इसको राइड लेके, देखते हैं इसको बाकी एक बार अपने भाई को अंदर राव को, उससे बातचीत कराते हैं। फाइनली गाइज लव इज हेयर, वो अपना पुराना प्यार चला गया, नया प्यार आया अपने पास। मतलब ये सिर्फ मैं गाड़ी होऊंगा अभी कभी, मतलब इस चीज़ को ना सीरियस मत लेना कि ये तो ऐसे जैसे गाड़ी चेंज कर रहा है ऐसे कुछ और भी चेंज करता हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें गाड़ियों में ही बिलीव रखता हूँ। तो गाइज कमेंट करके ये बताओ क्या ये डिसीजन सही था या गलत। ठीक है 2-3 दिन का टाइम है तो बता देना आप लोग कमेंट करके ये रखनी चाहिए या नहीं। बाकी एक ऑप्शन और है मेरे पास, वो तो सदाबहार ऑप्शन है। अगर ये चीज़ें मेरे को मतलब 2 दिन में अगर मैं ठीक चल गया तो बात अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी एक बार ये और जैगुआर और BMW तीनों में से कमेंट करके बता देना कौन सी लेनी चाहिए। अब तक चलते हैं इसको घर लेके, पर भाई भगवान कसम इसमें गाड़ी में फील है, मज़ा आ रहा है, मतलब कुल मिला के लग रहा है हाँ भाई आप कुछ चला रहा हूँ। ऑडी भी अच्छी थी पर ये इसमें राजा वाला फील आ, वो वाला सीन हो गया। जूते कैसे रहो? जूते के रंग से ना, जूते कलर से चेंज करके नहीं, गाड़ी चेंज कर दूंगा जूते के कलर से, जूते कलर से गाड़ी चेंज करूंगा, वही वाला सीन है। पर यार मैं तो ब्लैक पे रखे ना व्हाइट वाले जॉर्डन, व्हाइट भी आओ शिट बाकी भाई मजा जेन्युइन। तो भाई पैसे वैसे कमाने पर ध्यान दो, हमारे गर्दी पे ध्यान मत दो, अपना पैसा कमाओ और मौज लो और भाई गाड़ी बदलो और अपना स्टेटस लेवल सेक्सी रखो, सेक्सी मेरी तरह मेंटेन रखो, जो मजा आना चाहिए। अब आप देखो बहुत से लोग जल जाएंगे देख के कि साला ये गाड़ी ला कहाँ दे रहा है। भैया बाप दादा के पैसा करना आप भी बता दो, पछताओगे तो मुझसे बैर करके। बाकी मून रूफ हो गया ना भाई, मजा आ रहा है वहां है गाड़ी, मतलब वर्थ इट है। हाँ 50-55 लाख की है, वर्थ इट है ना। चलो भाई कमेंट कर देना आप और बाकी चलते हैं घर और एक बार अपने क्या कहते हैं अपने ड्राइवर साहब होंगे फार्म पे या फिर अपने PSO साहब, उनसे रिएक्शन लेंगे गाड़ी का। अबे क्या है फुल वॉशर, अच्छा यार उसमें उसका वो भरना है पानी, इसका सर्कल भर देंगे। ये लो जी गाइस रिएक्शन चेक, कैसे लगी बताओ? बढ़िया है, तगड़ी बहुत तगड़ी इंशाल्लाह। तुम गाड़ी ने धुआं उठा दिया भाई साहब, बहुत तगड़ी गाड़ी है। बाय बाय, लाओ दावत दाओ फिर। हाँ पक्का पक्का, बताओ क्या चाहिए। ठीक है ला भी ला, वो तो लिखा ले। लो गाइस चेक करो गाड़ी, अब दे बताओ फार्म में खड़ी हो कैसे लग रही है। हाँ जी मजा आ गया, बढ़िया लगी ना। डिफेंडर की बहन ले आए हम भैया, चाबी दे दे। अब कल इसके पहले शीशे काले होंगे गाड़ी के, उसके बाद रिच किट लिखो गाड़ी पे ऊपर आप आगे सबसे आगे, उसके बाद देखेंगे कुछ आगे। हाँ जी गाइज, तो व्लॉग को एंड करने से पहले एक छोटी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देखा है मेरी लाइफ में क्या रहा क्या नहीं रहा, कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ कैसे नहीं बढ़ाऊँ, क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। भाई बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी मैं ले सकता हूँ ना तो आप भी ले सकते हो, ऐसी लाइफ स्टाइल मैं रख सकता हूँ तो आप भी ऐसी लाइफ स्टाइल रख सकते हो, ठीक है। अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, किसी की बातों में मत आओ और अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने काम पर भरोसा रखो और मोटिवेट होकर आओ। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही चीज़ करो, उस पर जी जान लगा दो और मेहनत करो, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो। दिल से लव यू, गुड नाइट।